evening, children. Children, आपके एग्जाम फिनिश हो गए हैं, आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं. आज हम हिंदी में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी. चैप्टर 16, आपने ऐसा कहा. ये ऐसी स्टोरी है कि बात भी कंप्लीट हो जाती, बात भी कह दी जाती है, और जो कहने वाला है वो खुद स्वयं के मुंह से नहीं कहता है और दूसरा उसको कंप्लीट कर देता है. तो एक अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है आपने ही ऐसा कहा. मतलब आपने कहा, मैंने नहीं कहा. वो क्वेश्चन इतना कर देता है कि खुद उसका उत्तर नहीं देता है और कहता है आपने ही ऐसा कहा, मैं नहीं कह रहा हूं. तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों. सबसे पहले इस चैप्टर के, जैसा हम हमेशा कहते हैं, कोई भी चैप्टर हो आप उसके मीनिंग जाने, उसके अर्थ को समझे, तभी आप स्टोरी को और अच्छा समझ पाएंगे. तो आप बच्चों, आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी, राजा रानी की, मछली की, परियों की. आज हम एक राजा की सुनाएंगे जो बहुत प्रसिद्ध है, जिस ठीक है. और उस राजा का एक बहुत वफादार था जो उसके दरबार में रहता था, ठीक है. उसके बारे में आज कहानी सुनाएंगे. तो बीरबल कौन था और अकबर कौन था, ये जो कहानी है अकबर और बीरबल की है. अकबर एक राजा थे, उनका शुभचिंतक एक बीरबल था जो उनकी हर बात का जवाब देता था, बहुत अच्छा था, वाक्पटु था, यानी बात में भी बहुत निपुण था. तो उसकी आज कहानी हम पढ़ेंगे. और अकबर जो था राजा, वो बीरबल से हमेशा खुश रहता था, बहुत प्रसन्न रहता था वो बीरबल से. तो इस चैप्टर में क्या है बच्चों, इस चैप्टर में है कि अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रचलित है, यानी बहुत सारी कहानियां, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था, ठीक है. अकबर उसको जो टास्क देता था, बीरबल उसको कंप्लीट, बड़ी चतुरता से, बड़ी चालाकी से उस टास्क को वो कंप्लीट कर लेता था. तो इन दोनों की कहानियां बहुत फेमस है, छोटी बड़ी कई कहानियां हैं जो इनकी किताबों भी अलग से मिलती हैं. ऐसे की स्टोरी इनकी बहुत प्रसिद्ध है. अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे. जो अकबर थे, राजा थे, वो बीरबल की कहानी से बहुत प्रभावित थे. बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, वाक्पटु भी थे. बीरबल जो था बुद्धिमान नहीं था, वो बातों में भी बहुत चालाक था, बातों बातों में ही सबको जीत लेता था. इस कहानी में उनकी बुद्धिमानी का एक उदाहरण देखने को मिलता है, जो आज हम कहानी पढ़ेंगे. उस कहानी में फिर एक बीरबल की चालाकी वाली कहानी, किस्सा है, एक छोटी सी स्टोरी है जिसको आज हम पढ़ेंगे. उस कहानी को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में जो कठिन शब्द आए हैं और जो शब्दार्थ आए हैं उनको हम जानेंगे. तो अर्थ है विशेषता, यानी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है. विशेषता यानी मुख्य गुण क्या है, मुख्य क्वालिटी क्या है. मनोरंजन, ये बिंदी थोड़ा स्लो है, धीमी है, इसको डार्क कर देते हैं. मनोरंजन, मन बहलाना, ठीक है, किसी का मन बहलाना. चिंतित, परेशान, चिंता करना. सहर्ष यानी खुशी से, सहर्ष, स माने साथ में, हर्ष माने खुशी के साथ, यानी खुशी से. सूचना, खबर, न्यूज देना, सूचना देना, खबर देना. हल ढूंढना यानी सुलझाना, कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाना, सॉर्ट आउट करना, ठीक है. वर्णन, विस्तार से बताना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, ठीक है, विस्तृत तरीके से, पूरा डिटेल में बताना, उसको कहते हैं वर्णन करो, यानी विस्तार से बताना. पालन पोषण यानी पालना, जैसे कि हम गाय के बच्चे को पालते हैं, अपने घर में डॉगी होता है उसको पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं उसको, अच्छा. तो पालना, किसी चीज का पालन पोषण करना, अर्थात पालना, उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना. प्रस्ताव यानी सुझाव, आपके सामने कोई प्रस्ताव रखना, कोई सुझाव रखना, ठीक है. मृत्यु, मौत यानी मर जाना, मृत्यु उसको कहते हैं मौत. समस्या यानी कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई समस्या. तो ये आपके शब्दार्थ हैं. इनके साथ हम आपको कठिन शब्द भेजेंगे जिनको आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आज की डेट डाल करके बढ़िया से लिख लेंगे. तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं बच्चों. एक बार राजा अकबर और बीरबल नगर में घूमने निकले. एक बार की बात है, राजा जो अकबर थे और उनका जो चेला था या उनका जो शुभचिंतक था या उनके दरबार का मेन आदमी था, वो घूमने निकले. इतने में एक तोता बेचने वाला उनके पास आया. जब वो नगर में भ्रमण कर रहे थे, नगर में घूम रहे थे, तो एक तोता बेचने वाला आया उनके पास और तोते की विशेषताओं का वर्णन करने लगा. यानी तोते की विशेषताओं का, उसके मुख्य गुण क्या थे, विशेषता यानी मुख्य गुण
क्या थे उसका वर्णन करने लगा, यानी विस्तार से बताने लगा कि ये तोता बहुत सुंदर बोलता है, ये तोता राम राम कहता है, ये तोता दूसरों को जगाता, बहुत सारी उसकी जो क्वालिटी थी तोता की वो तोता बेचने वाला राजा को बताने लगा। वह तोता मनुष्य की बोली की तुरंत नकल उतार सकता था। वो तोते में ये क्वालिटी थी, ये गुण था, ये विशेषता थी कि वह मनुष्य की बोली बोल लेता था, जो मनुष्य बोलेगा वो उसको रिपीट कर देता था। गीत गाकर सबका मनोरंजन कर सकता था। उस तोते में क्या गुण था कि वो गाना गाकर दूसरों का मनोरंजन कर देता था। कई खेल दिखाकर भी प्रसन्न कर सकता था। उस तोते को कई कई प्रकार के खेल भी आते थे, उसको भी दिखाकर वो लोगों को प्रसन्न कर देता था। देखो आपकी बुक में बीरबल और अकबर की फोटो छपी हुई है, ठीक है। कुछ दिन तो राजा अकबर समय निकाल कर उस तोते के खेल देखते रहे। कुछ दिन तक तो राजा जो है, क्योंकि राजा तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो समय निकाल कर भी उस तोते के साथ खेलते रहते थे। परंतु राजकार्य में रुकावट पड़, राजकार्य यानी उनका एरिया था, जो उनका राज्य था, जिस राज्य के वो राजा थे, उसका कार्यभार इतना ज्यादा था कि उसमें रुकावट पड़ने के कारण उन्होंने बीरबल से पूछा, क्योंकि तोते को आप समय नहीं दे पाएंगे, राजकाज भी देखना, उनको प्रजा को भी देखना, प्रजा की भी सुननी है, तो तोते को कैसे खिलाते रहे। तो उन्होंने बीरबल से एडवाइस ली, सलाह ली। उन्होंने पूछा, बीरबल इस तोते को कहाँ रखा जाए जिससे इसका पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। देखो यहाँ लिखा है पालन पोषण, यानी इसको कोई अच्छे से पाले, समय से नाश्ता दे, समय से खाना दे, मिट्ठू को तोते को जो जो पसंद है वो खिलाए, ऐसा अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज आप ये तोता मेरे मित्र रामपाल को पालने के लिए दे दीजिए। बीरबल ने कहा, बीरबल का एक मित्र था जिसका नाम था रामपाल, उन्होंने कहा आप इस तोते को मेरे दोस्त को दे दीजिए। राजा अकबर ने बीरबल का सुझाव मान लिया, यानी जो उन्होंने सलाह दी बीरबल ने वो राजा अकबर ने मान लिया। रामपाल को बुलाया गया। राजा बोले, तुम इस तोते को अपने पुत्र की तरह पालना, क्योंकि राजा का तोता था, राजा उसको पाले हुए। तो राजा ने अकबर के राजा ने बीरबल के मित्र से कहा, तुम इसको अपने पुत्र की तरह पालना, यानी बेटे की तरह इसको प्यार देना। एक बात का सदा ध्यान रखना कि इसकी मृत्यु की सूचना मुझे कभी मत देना। अकबर ने कहा कि जब यह तोता मर जाए तब मुझे इसके मरने की खबर मत देना, क्योंकि राजा को उससे बहुत लगाव हो गया था। तो राजा बोले बीरबल के मित्र से, राजपाल से, कि तुम इसके रामपाल से कि तुम जब ये तोता मर जाए तो इसके मरने की खबर मुझे मत देना। वे सब तोते की देखभाल करने लगे। रामपाल ने सहर्ष राजा का प्रस्ताव मान लिया। रामपाल ने राजा का जो प्रस्ताव था, सुझाव था, वो मान लिया। उसकी पत्नी और बच्चों को भी पक्षियों से बहुत प्यार था। जो रामपाल था उसकी पत्नी और बच्चों को भी पशु पक्षियों से लगाव था। वो लोग खुश हो गए जब तोता उनके घर में गया। वे सब तोते को की देखभाल करने लगे। सब तोते को अच्छे से देखभाल करते थे, अच्छे से रखते थे, उसका केयर करते थे। 2 वर्ष बाद तोता बीमार पड़ा। 2 साल हो गए तोता बीमार पड़ा और मर गया। देखो तोते पक्षियों की जिंदगी क्या है, 6 महीना चलते, 1 साल चले, 2 साल चले, वो बीमार पड़ा और मर गया। रामपाल और उसके परिवार के सदस्यों को उसकी मृत्यु से बहुत दुख हुआ। रामपाल का परिवार, जो बच्चे बीवी थे उसके, उन सबको बहुत दुख हुआ, ठीक है। अब समस्या यह थी कि उसकी मृत्यु की सूचना राजा को कैसे दी जाए कि ये तोता मर गया। रामपाल ने बीरबल के पास जाकर विनती की कि वे ही इस समस्या का हल ढूंढे। रामपाल अपने मित्र बीरबल के पास वापस आया और बोला, आप ही समस्या का हल बताए। राजा तो बोले थे हमें इसकी मृत्यु की खबर मत देना, आप उनको सूचना तो हमें पहुंचाना ही पड़ेगा, पर उसका तरीका क्या है। वो बीरबल के पास आए। बीरबल ने यह समाचार राजा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। बीरबल ने कहा, ठीक है रामपाल, तुम चिंता न करो, हम इसकी मृत्यु की खबर राजा तक पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाएंगे अब हम लोग को आगे देखना, कितनी चतुराई से बीरबल ने राजा तक तोता की मरने की खबर पहुंचाई। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल कहाँ से आए हो। जब बीरबल अपने राजा के दरबार में गया तो अकबर ने पूछा कि कहो बीरबल कहाँ से आए हो। बीरबल उदास होकर बोले, महाराज मैं रामपाल के घर से आ रहा हूँ। दुखी होकर बोला, महाराज मैं रामपाल के घर से आ रहा हूँ। राजा अकबर ने पूछा, क्योंकि उनको वो तो रामपाल को ही तोता दिए थे अपने हाथों से, तो उन्होंने पूछा, मेरा तोता तो ठीक है, तो वह खाता है या नहीं। अकबर ने पूछा, मेरा तोता ठीक है, वह खाता है या नहीं। बीरबल ने ठंडी सांस ली और कहा,
वैसे तो वह बिल्कुल ठीक है, परंतु कुछ खाता नहीं है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा। अकबर को चिंता होने लगी, जो राजा अकबर थे उनको चिंता होने लगी। वो पूछे, अकबर ने चिंतित होकर पूछा, वह सोता भी है या नहीं? तो बीरबल ने कहा, वह गहरी नींद में सोया है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो आदमी सोए जैसा रहता है, मर जाता तो उसको तो पता नहीं चलता है। तो वो बोले कि वो गहरी नींद में सोया है। अकबर ने पूछा, वह सांस भी लेता है या नहीं? बीरबल ने कहा, वह सांस लेना भूल गया है। अकबर यह सुनकर घबरा गए। वे बोले, वह मर तो नहीं गया? बीरबल ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। बीरबल ने क्या कहा? बीरबल ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने ही ऐसा कहा है। अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए। वे बोले, इसी समझदारी के कारण मैंने तुम्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया है। अकबर के दरबार में जो बीरबल का स्थान था वह नवरत्नों में से नवरत्न अनमोल चीजें जो उनके दरबार में थी उसमें से बीरबल भी उनके लिए बहुत अनमोल था। तो बच्चों, यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसके शब्दार्थ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, कठिन शब्द भेज दें उनको सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेना। अगर कोई डाउट होगा तो आप कल डाउट क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्टोरी को समझिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।